पाकिस्तान में उनकी कंडीशन, अब मेरे ख्याल जो मुसलमान मौजूद है इंडिया में उनकी क्या कंडीशन है, वो भी सिंध से गए इंडिया में, उसके हालात बता रहे हैं, देखते हैं वीडियो में फिर बताते हैं रिएक्शन। यहाँ पर आप देखते हो हिंदू मुस्लिम रहते हैं, क्या मुसलमानों के साथ कोई जुल्म होता है यहाँ पर आपको लगता है? मुस्लिम हिंदू सब अपने भाई भाई की तरह रहते हैं यहाँ पे। वहाँ पर मुस्लिम आपको कैसे ट्रीट करते थे? बता दो ना, धर्म नहीं है वहाँ पे सर। अच्छा। बिल्कुल मतलब हिंदू मतलब कुछ नहीं, कुछ या तो मुसलमान बन जाओ या तो फिर जो है बस। इस वजह से आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? देखो वहाँ पे हमारे जो हिंदू बेचारे हैं ना, वहाँ दुगले हिसाब से देखते हैं। देखो वहाँ हिंदू को तो काफर कहते हैं भाई, वहाँ पे मेन मुद्दा ये है वहाँ का, उनकी इस्लाम को बढ़ाना है बस, ज़्यादा तौर पे ये कट्टरवाद वहाँ के है जो इस्लाम को बढ़ाना है। हमने एक रियल इंटरटेनमेंट के अभी हाल ही में वीडियो देखी है, तो वहाँ जो लोग मंदिर में पूजा करते वो भी टोपी लगाए रहते हैं, या कहीं जाते हैं तब भी टोपी लगाए रहते हैं, तो ये टोपी लगाने वाला क्या मतलब है? वहाँ पर लोग अपने आप को हिंदू दिखाने से डरते हैं क्या वहाँ पर मार्केट वगैरह में? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोर्ट के अंदर जो है ना वहाँ पे कह देते हैं हिंदू बेचारा कुछ भी कर नहीं पाता, वहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाता, वो कहेंगे इस्लाम कबूल कर लिया बस। छेड़खानी तो ये तो अलग विषय है, मगर जो अपना एक बार हमारी लड़की बहू बेटियां वहाँ से ले जाते हैं ना, फिर दोबारा देते नहीं हैं वहाँ पे। कुछ भी जुल्म नहीं है यहाँ पे, गले काट रहे हैं मुसलमान तो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं यार, कहाँ पे जुल्म हो रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे हमारा हिंदू ऐसे एक बार कर दे तो गांव के गांव काट देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनु धीमान, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हम मौजूद हैं रिफ्यूजी कैंप में, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं भारत के अंदर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, और ये कम से कम 150 लोग रह रहे हैं। आज इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे, और जो पाकिस्तान कहता रहता है कि हमारे यहाँ हिंदुओं के ऊपर कोई जुल्म नहीं होता है, आज इनसे हम इनके दास्तानें सुनेंगे कि इन्हें क्यों अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। ये आप देख सकते हैं इतने मकान यहाँ पर बने हुए हैं, एक पूरा पूरा कस्बा यहाँ पर बसा हुआ है। दोस्तों ये जो आप बस्तीपुरी देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हैं वो लोग हैं, पूरी बस्ती लगभग 150 घर हैं यहाँ पर, और वहाँ पर ये बताया जाता है कि हिंदू बहुत आराम से पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। अगर वो आराम से रहते होते तो इतने घर यहाँ पर इनको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती, और इतनी दिक्कतें अगर वहाँ पर नहीं होती तो ये लोग भारत क्यों आते? ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठता है, और इसका जवाब अगर वहाँ के लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे उन लोग से जो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, हम शांति प्रिय हैं, तो भैया अगर इस तरीके की कोई बस्ती आपके यहाँ पर रिफ्यूजी की है, जो भारत के मुसलमान वहाँ पर गए हों भारत को छोड़कर, तो वो हमें वीडियो कोई बना के दिखा दे तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत ही अच्छे शांति प्रिय देश हैं। सोचने वाली बात है कि आप हमेशा हल्ला मचाते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है, लेकिन भारत का एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान के हिंदू भारत आने के लिए परेशान हैं। कितने आप अच्छे होंगे आप इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत सारे घर हैं, कोई एक घर नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बस्ती है आप देख सकते हो, और ये हालत इस हालत के अंदर रह रहे हैं। कोई अपना घर परिवार सारी चीज़ें जमीन जायदाद बिजनेस छोड़ के क्यों आके इस तरीके के घरों में रहना चाहेगा? अगर उनको आज़ादी होती, धार्मिक चीज़ों की आज़ादी होती, तो कोई इस तरीके से क्यों रहना चाहेगा? ये हालत आप देख सकते हो यहाँ पे, एकदम कीड़े मकोड़ों जैसी वाली ज़िंदगी यहाँ पे ये लोग जी रहे हैं, और इनका घर था वहाँ पर, परिवार था, सारी चीज़ थी, कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है, लेकिन इनको वो चीज़ें वहाँ पर नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, जो धार्मिक अधिकार मिलने चाहिए, या फिर जो चीज़ें हुई कट्टरपंथी के कारण इनके ऊपर अत्याचार हुए, उसका ये नतीजा है कि आपके देश के लोग यहाँ पर रहते हैं। आप भी भाई आए पाकिस्तान से? जी सर। कब आए? 2011 में। 2011 में जी। क्या रीज़न था वहाँ पर यहाँ आने का? बस एक हमें अच्छा लग रहा था वहाँ पे, हिंदू का कोई धर्म नहीं था इसके कारण आना पड़ा। हिंदुओं को मतलब वहाँ धार्मिक आज़ादी नहीं? नो। अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं, अपना कमा रहे खा रहे मौज ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यहाँ पर आप देखते हो हिंदू मुस्लिम रहते हैं, क्या मुसलमानों के साथ कोई जुल्म होता है यहाँ पर आपको लगता है? मुस्लिम हिंदू सब अपने भाई भाई की तरह रहते हैं यहाँ पे। वहाँ पर मुस्लिम आपको कैसे ट्रीट करते थे? बता दो ना, धर्म नहीं है वहाँ पे सर। अच्छा। बिल्कुल मतलब हिंदू मतलब कुछ नहीं, कुछ या तो मुसलमान बन जाओ या तो फिर जो है बस। यस। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। कहाँ पर पढ़ने जाते हो? GBSS मैक्सिंग रोड में। अच्छा, इंग्लिश वगैरह आती है कुछ? थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। अच्छा, 7th में इतने छोटे हो के? हाँ। अच्छा अच्छा, ये बड़ा है, लंबाई नहीं बड़ी है। तो आप ये देख सकते हो ये पूरी हालत है यहाँ पर,
और इस तरीके के माहौल में ये लोग रहते हैं। अगर चीज़ें अच्छी होती तो कौन अपने देश से छोड़ के जाना चाहेगा। ये हमारा उन लोगों के लिए चैलेंज है जो ये कहते हैं पाकिस्तान के कि हमारे यहाँ पर बहुत धार्मिक फ्रीडम है, बहुत धार्मिक आज़ादी है और हम अपने यहाँ के जो अकलियतें हैं उनको बहुत अच्छे से रखते हैं। तो आप उन अकलियतों को देख लीजिए यहाँ पर किस हालत में वो रह रहे हैं, आपने उनके साथ क्या किया होगा तो यहाँ पर वो लोग रहने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है सर? सोना दास। आप पाकिस्तान से आए हो, भारत के अंदर रिफ्यूजी बनकर रह रहे हो, ये बात सही है? मगर ये तो बात सही नहीं है, मगर अभी 2011 से अभी तक तो सिटीजनशिप देना चाहिए, अभी तो तब सही होगी बात, अभी तक तो जैसे पड़े ऐसे ही हैं। क्या ज़रूरत पड़ी आपको उस देश को छोड़ने की जहाँ पर आप पैदा हुए, बड़े और अपना बिजनेस फैलाया होगा आपने, वहाँ पर काम धंधा रहा होगा, क्या ऐसी परिस्थितियाँ बन गई जिसके कारण आपको देश छोड़ना पड़ा? देखो मेरे भाई, जीवन में सबसे बड़ा यही है कारण, कोई अपना है चिड़िया है ना, वो खोखला अपना घर बनाती है, वो भी नहीं छोड़ती है। हमने तो सब कुछ छोड़ा है, घर बार ज़मीन जायदाद सब कुछ हम लोगों ने छोड़ा। हमारी वो जन्म भूमि है, उनकी जन्म भूमि की उनकी हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर हमने किस लिए छोड़ा वो हमको जानकारी है, किस लिए हमने छोड़ा, किस लिए छोड़ा वो बताइए हमारे दर्शकों को, बाकी लोग भी जाने कम से कम क्या किस वजह से आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। देखो वहाँ पे हमारे जो हिंदू बेचारे हैं ना, वहाँ दुगले हिसाब से देखते हैं, दुगले हिसाब, जैसे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, स्कूल भी नहीं जाते थे, लड़कियाँ बहू बेटियाँ पढ़ने के लिए नहीं जा रही थी स्कूल में। हम लोगों ने यही सोचा, हमने कहा हम तो जीवन गुजार लेंगे, हमारी जो पीछे की जो बच्चों की जो भविष्य है जो उनकी पता नहीं कैसी दुर्घटना होगी, तो इसलिए वो निकलना पड़ गया वहाँ से। तो क्या मतलब, जैसे वहाँ के जो मुस्लिम थे वो आपसे किस तरीके व्यवहार करते थे, या आप जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर क्या दिक्कतें होती थी, आप मंदिर जाते थे तब क्या दिक्कतें होती थी, क्या मतलब वहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर आपके साथ? देखो वहाँ हिंदू को तो काफर कहते हैं, दुगले हिसाब से उनके हिंदू को जानते भाई, हिंदू एक काफर है। और हम पढ़ने के लिए, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ वहाँ, सिंधी उर्दू पढ़ा हूँ मैं, वहाँ अंदर पढ़ने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे पढ़ने के लिए वहाँ कहते थे भाई आप हिंदू हो काफर हो दुगले हिसाब से देखना, दुगला और हिसाब से व्यवहार करना, ये बहुत समस्या वहाँ पे, घटनाएं जो है ना बहुत सारी घटनाएं होती थी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ की बुक्स में भी ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है, अगर आप पढ़े हैं तो वहाँ के बुक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है सुनने में? क्या ये बुक में जो मुसलमानों का किताब, यानी बुक्स जो किताबें होती हैं उसमें पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे पहले और वो कभी दोस्त नहीं हो सकते मुसलमानों के, ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है बुक्स में किताबों में वहाँ? भाई वहाँ पे मेन मुद्दा ये है वहाँ का, उनकी इस्लाम को बढ़ाना है बस, ज़्यादा तौर पे ये कट्टरवाद वहाँ के है जो, इस्लाम को बढ़ाना है बस, ज़्यादा तौर पे कुछ भी हो जाए इस्लाम को बढ़ाना है बस। तो आपसे भी कहा गया होगा या आपके ऊपर प्रेशर कभी आया कि आप इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ कभी? ऐसे तो नहीं है, अब जैसे ज़बरदस्ती इंसान अपना धर्म के खातिर तो हमने क्या छोड़ा वहाँ पे, ऐसे तो कहने से तो थोड़ी वहाँ पे हमने धर्म परिवर्तन तो नहीं किया। नहीं, कहा गया आपसे? बहुत बार किया, कहा क्या करेंगे उनको कहने दो। हमने एक रियल इंटरटेनमेंट के अभी हाल ही में वीडियो देखी है तो वहाँ जो लोग मंदिर में पूजा करते वो भी टोपी लगाए रहते हैं, या कहीं जाते हैं तब भी टोपी लगाए रहते हैं, तो ये टोपी लगाने वाला क्या मतलब है? वहाँ पर लोग अपने आप को हिंदू दिखाने से डरते हैं क्या वहाँ पर मार्केट वगैरह में? ये तो बिल्कुल बात सही है, हिंदू जो टीका विका लगा के अपने शहर में घुसेंगे तो जो कट्टरवाद वहाँ के मुसलमान हैं कट्टरवाद, वो तो उनको देखेंगे भाई ये कैसे ये चल रहा, वो तो देखना पड़ता है उनको, वो तो है जैसा देश ऐसा वेश। अच्छा, वहाँ पर लड़कियों को उठा लिया जाता है, हिंदू या सिख लड़कियों को उठा लिया जाता है और उसके बाद में उनको किसी से भी शादी करा दी जाती है और कह दिया जाता है कि इस्लाम में हो गई हैं, इस्लाम की हो गई हैं, मतलब उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है। और आप चाहे जितना छटपटाते रहो ना, वहाँ की पुलिस कुछ करती है कुछ, क्या इस सिनेरियो का क्या वहाँ का पूरा सीन बताइए? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोर्ट के अंदर जो है ना वहाँ पे कह देते हैं, हिंदू बेचारा कुछ भी कर नहीं पाता वहाँ पे, कुछ भी कर नहीं पाता, वो कहेंगे इस्लाम कबूल कर लिया बस छुट्टी बात, कुछ भी कर ले हाँ कुछ नहीं कर पाता वहाँ पे हिंदू बेचारा। तो अगर आप जैसे मान लो आप मंदिर जा रहे हो या लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं तो वहाँ पर कुछ
आपका धर्म हिंदू होने की वजह से छेड़ते भी थे, दिक्कतें पैदा करते थे कि आप पूजा मत करो या तो कुछ छेड़खानी तो ये तो अलग विषय है, मगर जो अपना एक बार हमारी लड़की बहू बेटियां वहाँ से ले जाते हैं ना, फिर दोबारा देते नहीं है वहाँ पे। हाँ, कुछ भी हो जाए, आप चाहे कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट वहाँ की क्या मतलब, कुछ भी कर लो, बस इस्लाम हो गया, कबूल हो गया, बस इस्लाम कबूल कर लिया तो बस हो गया, बस सिर्फ लड़कियों को कबूल कराते हैं कि उन लोगों ने जो पाली और पाल पोल कर जुआन कर दी वो जैसी कर उनकी बन गई जैसी कर। हाँ बस हो गया, बस वो माता पिता रोते रहेंगे बस। आप भारत आए, जब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ वहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुसलमानों में कोई अंतर लगा? यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, सबका साथ सबका विकास, यहाँ मुसलमान हो कोई भी है इंसान, यहाँ पे है सिख है हिंदू है मुसलमान है कोई भी है, यहाँ ने सबसे है ना सीधा व्यवहार है। अगर वैसा व्यवहार जैसा आपके साथ पाकिस्तान में होता था, क्यों आते भाई? अगर जैसा व्यवहार आपके साथ पाकिस्तान में हुआ, अगर यहाँ मुसलमानों के साथ होता, तो क्या भारत के अंदर इतने मुसलमान रहते आज? नहीं रहते भाई, यहाँ तो हमारे देश के प्रधान अपना राष्ट्रपति भी बने हैं यहाँ के मुसलमान, यहाँ के पुलिस भी हैं, फौज भी हैं, कमांडर हैं, DIG हैं, यहाँ की अलग हिसाब किताब है, यहाँ पे सबको अपना हिसाब किताब देना पड़ता है, सबको जिस डिग्री है इस हिसाब से बच्चों को नौकरी मिलती है, चाहे मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो हिंदू हो कोई भी है, सबका साथ सबका विकास, यही हम तो सोचते हैं, यहाँ बराबर रहते हैं सब। पाकिस्तान वाले तो ये कहते रहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बड़ा जो है जुल्म किया जाता है। कुछ भी जुल्म नहीं है, यहाँ पे गले काट रहे हैं मुसलमान तो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं यार, कहाँ पे जुल्म हो रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे हमारा हिंदू ऐसे एक बार कर दे तो गाँव के गाँव काट देंगे। यहाँ पर जैसे मुस्लिम यहाँ पर मान लो अभी अंकिता वाला केस चल रहा है, 35 टुकड़े करके उसको फेंक दिए है ना, अगर ऐसा पाकिस्तान में करते तो पूरा गांव खत्म हो जाए, गांव खत्म कर देते हैं वहाँ तो, हाँ पूरे गांव के गांव काट देंगे, और उसकी कोई खबर भी नहीं आएगी और न्यूज भी नहीं दिखाई जाएगी, पहले के मीडिया पूरी उठा उठा के उनको चला चला के दिखा रही है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अभी देखो भाई हमारी यहाँ पे ऐसी दुर्घटना वहाँ पे कर देने तो उनको समझा देंगे, हिंदुओं को तो कैसी दुर्घटना करी है आप लोगों ने, तो वहाँ पे हिंदुओं की ऐसी हालत कैसी की तैसी कर दें। कुछ जैसे मान लो अगर लड़ाई झगड़ा किसी मुस्लिम से वहाँ हो जाए तो क्या आप पूरी तरह से डिफेंड होकर मतलब पूरी तरह से लड़ सकते हैं उनसे? नहीं नहीं नहीं, हम लड़ क्यों, लड़ने में फ़ायदा क्या है? नहीं मान लो वही लड़ाई कर रहे हैं आपकी ज़मीन पर कब्जा कर ले रहे हैं कुछ, तो हम तो लड़ नहीं पाते हैं ना वहाँ पे भाई, नहीं लड़ पाते हैं। आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे या कुछ भी करते थे? आप भी नहीं लड़ पाते हैं वहाँ पे, कुछ भी नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। छुआछूत भी होती है कि ये मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं आप हिंदू हैं तो आप हमारे साथ खा नहीं सकते बैठ नहीं सकते, ये सारी चीज़ें यही छुआछूत यही तो है। यहाँ पे भारत के अंदर जो है ना, ये भारत के सब इंसानियत है, सबका एक जैसा व्यवहार है, कोई भी है चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी है, सब एक जैसे व्यवहार है, इंसानियत की तरह रह रहे हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं है ना। वो तो कहते हैं इस्लाम जो है, वो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है बहुत शांति का मजहब है और ये किसी को दुख नहीं पहुँचाता है, किसी को इबादत करने नहीं रोकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने बार सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी हैं, कोई मुसलमान सब बराबर नहीं है, कोई इंसानियत में रह रहा है, कोई कैसे हैं, कोई कट्टरवाद हैं, तो सब बराबर नहीं है वहाँ पे, कोई अच्छे भी हैं भले भी हैं बुरे भी हैं, जैसे देखो सबसे मेन मुद्दा इंसानियत, इंसानियत इंसान को रहना चाहिए इंसानियत में, हम तो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है भाई, सबसे बहुत मेन मुद्दा इंसानियत का, इंसानियत में रहना चाहिए, वो बेहतर बात रहती है। भारत के अंदर कितनी फैमिली आपको लगता है कि यहाँ पर रहती होंगी रिफ्यूजी, जो हिंदू वहाँ से भाग के आए हैं अपनी जान माल? भाग के नहीं आए, हम लीगल तरीके से आए हैं, मतलब वहाँ आपको दुख हुआ तभी तो आप यहाँ पे आए, दिक्कतें हुई तभी तो? बात सही है, दुख के बगैर कौन निकलता भाई, कोई अपना जन्म भूमि छोड़ेगा, वो हमारा सिंध हमारा है, जन्म भूमि हमारी है, वो कोई इंसान है ना खोखला भी घर नहीं छोड़ सकते, हमने सब कुछ छोड़ा, हम लोगों ने कौन छोड़ता किसी का घर, कोई नहीं छोड़ता, छोड़ के तो देखो एक बार कैसे छोड़ना पड़ता है, घर कैसे छोड़ना पड़ता है, तो धीरे धीरे परमात्मा अच्छा ही करेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा हमारे लिए। यहाँ पर आपको जब आए गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, कोई दिक्कतें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपको आ रही हैं? कोई भी दिक्कत नहीं है, सब जीवन अच्छी तरीके से रह रहे हैं, हम दो वक्त की रोटी कमाने के लिए बच्चे जा रहे हैं, जिससे आ रहे हैं जिससे जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं,
स्कूल में जा रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पर कहीं जाते हैं तो आपको ये जैसे वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, धर्म को लेके, जात को लेके या किसी भी तरीके का कुछ यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं है। ऐसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे तो इंसानियत है ना, सब बराबर है ना। तो पाकिस्तान में इंसानियत नहीं है? इंसानियत कहाँ, इंसानियत होती तो वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं रहते, सिख भी नहीं रहते हैं वहाँ पे, कोई भी नहीं रहता। मुसलमान हो तभी तुम सुखी हो। एक बार है वहाँ पे, कुछ सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, जो कट्टरवाद जो है उनकी बात कह रहा हूँ। आतंकवाद भी वहाँ पर है क्या? बहुत ज़्यादा। अभी आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि देख रहा है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पर लगभग कितनी फैमिली रहती है इस पूरे कस्बे में? 150 परिवार है। 150 परिवार यहाँ पर रहते हैं, बाकी पूरी इंडिया में तो बहुत जगहों के ऊपर लोग रहते हैं। बहुत सारा है, सारे हिंदू हैं, बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट को कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाथ जोड़ के हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह को हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, ये बच्चे हैं आप लोगों का सहारा, सब आप लोगों को खाने का पीने का उठना बैठना घर बार हम क्या बताएंगे, आप लोगों को सबको जानकारी है। तो उनको कम से कम इन लोगों को सिटीजनशिप देना चाहिए, नागरिकता देना चाहिए, जिसमें ये इन लोगों का जीवन सुधार में आ जाए, जिसमें इन लोगों हमारे बच्चे जो हिंदू शरणार्थी जो आए हुए हैं लिख पढ़ कर देश की, हमारी तो यही भावना है देश की सेवा करें, जो बॉर्डरों पे खड़े जाएं तो हमारा दिल है ना बहुत खुशी से, हम गर्व से कहेंगे हमारे बच्चे फौज में जा रहे हैं पढ़ने पढ़ कर अच्छी शिक्षा लेकर, तो खुशी होगी। जब तक सिटीजनशिप यहाँ नहीं मिलेगी तब तक ये सारे अधूरे पड़े हैं। हम हाथ जोड़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, गृह मंत्री को कह रहे हैं, इनको सिटीजनशिप देना चाहिए, इनको नागरिकता देना चाहिए, जिसमें इनको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, जो आपने वो मंजर देखा है इस्लाम का जो शायद हम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, तो जो आप पाकिस्तान में देख के आए हैं है ना, जो तो यहाँ पे जो हिंदू हैं, जो बहुत सेकुलर हिंदू बनते हैं, बहुत नॉर्मल हिंदू बनते हैं और यहाँ पर बड़ा भाईचारा होता है, तो उन जो हिंदू हैं उनको आप, यहाँ के जो हिंदू हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यहाँ के हिंदू उनको सबको कह रहा हूँ, भाई एक बन जाओ। हमारे हिंदू के लिए सबसे मेन मुद्दा ये है, ये कहत कबीर सुनो भाई साधु, कपटी को उम्मीद किया ने किया, ये कपट छोड़ दो, ये हिंदू एक बन जाओ। जिससे में इन लोगों का ये है ना, इनकी जो पीछे वाली जो हमारी संख्या जो बच्चों की है, वो कम से कम हमारी हिंदुत्व है ना वो जागता रहे, हिंदुत्व रहे हमारे, ये कपट भी मत रहो। हम हिंदुओं को कह रहे हैं जागो मेरे भाइयों, जागो एक बन जाओ। ऐसे में कोई किसी का खाता नहीं है, एक बन जाओ, मैं तो कह रहा हूँ एक बन जाओ तो अच्छा है, सबसे बड़ा ये है मुद्दा। ये राजनीति छोड़ दो, हमारे हिंदू एक बन जाओ, एकता करके चलो, किसी ऐसी ये नहीं कह रहा हूँ किसी से लड़ो के झगड़ा करो, मगर कम से कम एक बन जाओ। एक बनोगे तो हमारी जो पीछे वाली जो पीढ़ियाँ जो आ रही हैं, हमारी बच्चों की पीढ़ियाँ जो आ रही है ना, उनकी थोड़ी सी सुधार हो जाएगी उनकी। ये इनके दुगले हिसाब से देखना, कपट में रहना, किसी को ये करना, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं भाई, आगे तो परमात्मा जानता है। धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा, आशीर्वाद दीजिए आप। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ पढ़ने जाते हो? एसकेएम मैजगिन रोड में। ये वाली कौन से क्लास में हो? टेंथ में। कोई पढ़ाई में दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती यहाँ पर? कोई भी दिक्कत, कोई यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाली कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कहीं यहाँ पर? नहीं नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ते हो। ठीक, अच्छे से पढ़ रहे हो ना? क्या बनना है आगे चल के? कुछ भी जो समझ में आएगा, कुछ भी, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, डॉक्टर। चलिए ठीक है, डॉक्टर बनिएगा, सबका इलाज करिएगा यहाँ पे। आप क्या करते हो बेटा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ क्लास में। कौन सा, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हो? गवर्नमेंट। अच्छी पढ़ाई होती है? अच्छी होती है। क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर बनना है। चलिए ठीक है। और पापा कब आए थे पाकिस्तान से? हम 2011 में आए थे। अच्छा, पापा क्या करते हैं? मोबाइल कवर बेचते हैं। तो कोई दिक्कत तो होगी घर चलाने में, प्रॉब्लम्स तो आती होंगी? हाँ, वो तो प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पर कहीं जाते हो कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, अकेले निकल जाते हो, कोई सिक्योरिटी वगैरह कोई दिक्कत? नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं। एकदम खुश। आप बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो? ये शर्माती है। तुम कौन से? तुम तो पूछ चुके हैं ना, सेवन्थ क्लास में। सेवन से यहाँ पे नहीं रहता, आदर्श नगर में रहता हूँ।
अच्छा, तो आपने देखा जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये यहाँ पर आकर अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं और उनकी सोच भी कितनी अच्छी है कि हम आगे चलकर क्या बनेंगे और अपने भारत के लिए क्या करेंगे, यहाँ के लिए क्या करेंगे और यहाँ के जनता के लिए क्या करेंगे। ये बस्ती है और यहाँ पर 150 फैमिली रहती हैं, उसमें कितने लोग हैं, लगभग 400-500 लोग इस फैमिली में रहते हैं और इस तरीके की कई जो है झुग्गी झोपड़ियाँ आपको भारत के कोने कोने में मिल जाएंगी जहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि इनके झंडा जो है, इनके ये लिखा है इनके ऊपर, देखो झंडा जो है भारत का लगा हुआ है लेकिन इन लोगों को नागरिकता भी भारत की नहीं मिली हुई है। कई लोग 2011 से रह रहे हैं, कोई लोग 12 से रह रहे हैं, 7 साल का क्राइटेरिया भी ये लोग पूरा कर चुके हैं, जगह जगह ये लोग भटकते हैं, उसके बाद भी इनको नागरिकता नहीं मिलती है। इन लोगों की शिकायत है कि हम कहाँ पर जाएँ, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी भारत सरकार से और जो भी प्रतिनिधि हैं सरकार के उनसे ये रिक्वेस्ट है और जो लोग हेल्प कर सकते हैं इन लोगों की हेल्प करें और इनको नागरिकता दिलाने का काम करें। दोस्तों आज का वीडियो कुछ लोगों के लिए आंखें खोलने वाला था, हमारे देश के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी जो बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ भी दिक्कतें नहीं हैं। ये एक पूरा सबूत हमने दिया है जो हमारे कमेंट सेक्शन में आके भर भर के कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमने आपको सबूत दिया है। इसको देखिएगा, सोचिएगा और फिर आप ये बताइएगा कि आपके यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। ये देख लीजिए पूरा यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, लेकिन तब भी ये भारत में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं ये पाकिस्तान के लोगों को सोचने वाली बात है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जो दीवान भाई ने, क्या नाम है भाई साहब का? नाम तो भाई साहब का नाम तो नहीं पता, तो काफी सवाल इंडियन मीडिया पर भी उन्होंने, हुकूमत के भी उठाए हैं कि उधर सॉल्व तो गए 2011 से वो रेफ्यूजीज हैं, अभी तक रेफ्यूजीज के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए भाई, जो हम पाकिस्तान की तो हुकूमत हमें पहले वीडियो में पता किया बताया कि कैसी हुकूमत है, इधर से वो अपने मजहब की वजह से तंग होकर गए होंगे। तो हमें चाहिए कि इंडियन जो हुकूमत है उसको चाहिए कि उनको अच्छी से अच्छी सहूलत दी जाए, जैसे वो 2011 से गए अभी तक वो झोपड़ी अच्छा, पाकिस्तान जो है ना वो भाई इंसानों के काबिल नहीं है, जैसे वो हमें बता रहे थे गलियों में। अच्छा भाई गुलजार, इधर एक और बड़ी अहम बात मेरे जहन में आ गई, क्योंकि पाकिस्तान को 1947 में इसलिए हासिल किया गया था, इसलिए अलहदा किया गया था इंडिया से, क्योंकि ये एक मुसलमानों का मुल्क हो। तो सबसे पहले पाकिस्तानों का यही बड़ा झूठ है कि जो वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज को तहफ़ देते हैं, माइनॉरिटीज का तहफ़ उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन 1947 इस्लाम के नाम पर हमने मुल्क हासिल किया किया था। इसलिए हमें ये कहने ही नहीं चाहिए कि हम माइनॉरिटीज को तहफ़ दे रहे हैं, हम उसी वक्त झूठ बोलते हैं जब हम ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज को तहफ़ दे रहे हैं, क्योंकि हमने माइनॉरिटीज के लिए मुल्क नहीं लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर मुल्क लिया है। इसलिए जो ये बंदा दावा करता है, चाहे वो गवर्नमेंट से या कोई और या है, सिविल है, दावा नहीं करना उसको चाहिए। ये दावा करना ही नहीं चाहिए कि हम माइनॉरिटीज को तोहफा दे रहे हैं, क्योंकि हमने माइनॉरिटीज के लिए नहीं। और अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो फिर इसको आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने साथ भी झूठ बोल रहे हैं और अपने हिंदू भाइयों, माइनॉरिटी भाइयों जो सिख हैं, ईसाई, उनके लिए भी आप झूठ बोल रहे हैं, आप उनके साथ मुखलिस नहीं है। आप उनका बर मलाक है कि हम मुसलमानों के लिए ये मुल्क लिया था और हम इधर से मुसलमान ही देखना चाहते हैं, बात खत्म। ये जो झंझट है माइनॉरिटीज है, हम तहफ़ दे रहे हैं, ये झूठ बोलना, ये आलमी मीडिया की शोहरत पाने के लिए कि हम हर मजहब को, हर माइनॉरिटी को अपने हकूक दे रहे हैं, सिर्फ ये झूठ बोलने के लिए। और ऐसे ऐसे वाकया हमसे निकलते हैं, चाहे वो 150 खानदान है, वो चाहे इंडिया में चला गया, तो ऐसे कई हमें वीडियो नजर आई है जो पाकिस्तान से हिंदू चले गए हैं, आना ही नहीं चाहते बच्चा, चाहे वो जिंदगी देख रहे थे कैसे जी रहे थे इधर, उससे भी अच्छी जी रहे होंगे, पर वो भाई सबसे बड़ी बात ये, इधर एक और बड़ी बात काबिले गौर नजर आई इस भाई के व्लॉग से, कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो सिविलियन है, लोग हैं, आम इंडिविजुअल्स हैं, उनसे कि आप थोड़ा खुदारा इनकी हाल पर ध्यान करें। जो वीडियो भाई ने बताई है ना, ये नेगेटिव बात जाती है, ऐसी बातें उसने तो सच दिखाया है, दीवान भाई ने सच तो दिखाया है, पर इसमें कई सवाल उठाए गए हैं जो हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। पहली बात तो
उधर चाहे वो पाकिस्तान से गए इंडियन गवर्नमेंट उनको हकूक देने चाहिए, शरीयत के देने चाहिए। उधर 7 साल उन्हें ज्यादा हो चुके हैं, तो 7 साल टाइम होता है कि 7 साल 11 साल हो चुके हैं। 2011 की बात कर रहा था, 11 साल हो चुके हैं अभी तक उसको रेफ्यूजीज की जिंदगी गुजारे। सबसे पहले तो उनको उधर के जो है ना इंडियन की सिटीजनशिप देनी चाहिए, उनको इंडिया का सामने उनका आईडी कार्ड बनना चाहिए। दूसरी बात उनके जो कस्टमर पुरसी की हालत है, जो वो जिस हालत में जिंदगी गुजारे वो इधर से क्यों गए थे, वो अपने हिंदुओं भाइयों भाई के पास गया था कि हमें उधर अच्छी जिंदगी गुजारने को मिलेगी। तो क्या इंडिया के लोगों को और इंडियन गवर्नमेंट को उनका ख्याल नहीं करना चाहिए? और हम तो आएंगे ऐसे, हमने तो मैं पहले इसलिए कर चुका हूँ, हम जो दावा करते हैं ना हम वो झूठ ही बोलते हैं, सबसे बड़ा झूठ ही हम वो बोलते हैं। तो अगर वो हिंदू भाई इधर से अपने हिंदू भाइयों के पास गए हैं, तो अपने हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए कि ये जो रेफ्यूजीज ये जो किस्म पूरी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इनका ख्याल करें और इनसे गवर्नमेंट से ताल्लुक करें और गवर्नमेंट से अपील करें। गवर्नमेंट को चाहिए अच्छे से अच्छे फैसिलिटी दी जाए कि हमें भी इंडिया पाकिस्तान से आए हैं तो हम इसको वेलकम करते हैं और अच्छी से अच्छी उसको फैसिलिटी देनी चाहिए, उसको रहायश देनी चाहिए। उसको मैं तो पहले जो उसको नौकरी में आती है ना दुश्वारी कि आप इधर के सिटीजन ही नहीं है और नौकरी कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं देगा सिटीजन ना हो तो उनको पहले सिटीजन की नेशनैलिटी देनी चाहिए, उसके बाद फिर वो अपना जैसे भी हालात करें। और मैं कहता हूँ इतने बहुत बुरे हालात ऐसे जिंदगी कोई भी की ना जिए, मैं तो पाकिस्तान के लिए ये शर्मिंदगी का मकाम है कि पाकिस्तान वाले इस्लाम के नाम पर मुल्क हासिल करके झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं माइनॉरिटीज को तोहफा दे रहे हैं जो कि ना के बराबर है। और साथ ही साथ इंडियन भाइयों से अपील है कि आप अपने भाइयों का ख्याल करें जो इधर से उठ के गए हैं, वो आपकी आस पर उधर पहुंचे और उनको उधर की नेशनलिटी लेकर दिवाएं, किसी तरह उनके आवाज बने और उनकी जो कस्म पूसी की हालत जिस तरह वो अपनी जिंदगी गुजारे उनकी हालत को थोड़ा सुधारने में कोशिश करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी गुजार सके। वो जो दर्द पीछे देखे वो उनको आप इंडिया में ना देखना पड़े। तो यही करते हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नाटॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।